pūrpūvas, vatats vidur marinė, marko tėvės vadimai, į dievą jūną pradžiūtė. Pūrpūvas, vatats vidur marinė, pradžiūtė. Maja? Thank you so much. माया मेरे पीछे से इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और तुमने सब कुछ अपने आप संभाला. माया जितना काम ली तुमने सारा काम देखा उतना उतना काम ली तो मैं भी नहीं संभाल पाता. माया जिस वक्त मेरे परिवार को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं था ही नहीं. तुम वहां पे अकेली खड़ी थी मेरा फर्ज निभाने के लिए. माया थैंक यू. तुम्हारे फर्ज नहीं अभी हमारे फर्ज. और अगर मैं नहीं संभालती तो कौन संभालता अभी. मेरे पापा की डेथ के वक्त भी तो मैंने सब कुछ अकेले ही संभाला था. उस वक्त भी तुम नहीं थे और इस बार भी. माया I'm sorry. माया मुझे माफ कर दो मुझसे गलती हो गई. माया तुम्हारा गुस्सा जायज है तुम्हारा बच्चों का माँ का सबका. माया माया मुझे सिर्फ एक मौका और दे दो सिर्फ एक मौका. पर अब क्या फायदा अभी मुझे सॉरी कहकर. पापा जी तो लौट कर नहीं आएंगे. एंड यू नो व्हाट मैं यूज्ड टू हो गई हूं अभी कि तुम नहीं बदलोगे. गिवन अप ऑन यू. तुम ना जैसे हो वैसे ही रहोगे. अगर तुमने चेंज होना है तो ये तुम्हारा कॉल है. लेकिन मैं अपने आप को तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट कर चुकी हूँ. नहीं नहीं माया I'm sorry माया मुझसे गलती हो गई. माया मैं बदल जाऊंगा. I'm sorry. अभी पर सॉरी कहकर क्या फायदा. सच तो यही है ना कि तुम पापा को कभी सॉरी नहीं कह पाओगे. सच तो यही है कि उनका एक लौता बेटा उन्हें मुखाग्नि देने के लिए वहां मौजूद नहीं था. माया शायद वो मेरा बैड लक था मेरी किस्मत खराब थी. किस्मत को दोष मत दो अभी क्योंकि तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम कितने एफर्ट्स करते हो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए. अविनाश तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ना तुम गलत नहीं हो. इट्स ओके तुम ये सब कर रहे हो अपने फैमिली के लिए और इट्स फाइन. बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था. पर अब सब खत्म हो गया. सागर सब खत्म हो गया. सुना तुमने तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया. आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है. अरे बेटे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया. बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी. ये क्या कर रहे हो बेटा. तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं. बेटा आप लोग परेशान मत होइए. अब पेंशन वाली कोई बात नहीं लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा. शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी हमारी बहू ठीक है. मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई चोट लग गई. चल यहां से.
ऐसा आप पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलुका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली, चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना। ठीक है, हम आते हैं।